हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूर्णांक यानी एरेमेटिक पार्ट का एरेथमेटिक। पार्ट फोर, इसमें हम समझेंगे पूर्णांक जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है और इसमें क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। पूर्णांक जो है, पूर्णांक से तीन तीन पार्ट निकला है, जिसमें से कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसमें पूर्णांक के अंतर्गत पहला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये जो पूर्णांक है इसमें एक धनात्मक पूर्णांक भी होता है और इसके बीच में होता है शून्य, जिसको जीरो कहते हैं, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। अब इसके बारे में समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस वाला पॉइंट और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला पॉइंट। ये तो आप समझ चुके हैं। इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें, धनात्मक को लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसको लिखेंगे निगेटिव, इस तरह से। ये तो समझ गए पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो है रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या फिर अभाज्य संख्या। अब इसका मतलब समझेंगे कि रूढ़ और अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में। ये जो रूढ़ या अभाज्य संख्या है, ये इसी का दूसरा नाम है। इसे आप रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या दोनों कह सकते हैं। तब समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। इसमें हम इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि वैसी संख्या होनी चाहिए जिसमें एक और स्वयं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल हम समझाना चाहेंगे। जैसे दो बोले, ये जो दो है इसमें एक और केवल दो से ही भाग लगेगा, इसलिए इसको हम कहेंगे रूढ़ या फिर अभाज्य संख्या। अब हम बात करने वाले हैं कि सबसे छोटी, यहाँ पे कुछ और अभाज्य संख्या लिख देते हैं डॉट डॉट ईटीसी। अगर बात की जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे दो है, यानी कि दो से ही शुरू हुआ अभाज्य संख्या। इसका स्टार्टअप पॉइंट जो है वो दो है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। ये तो हम समझ गए कि दो होती है। अब हम बात करने वाले हैं आगे का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि सह अभाज्य संख्या होता क्या है। तो हम सबसे पहले सह अभाज्य संख्या का परिभाषा बता देना चाहेंगे। इसका परिभाषा हो जाएगा, दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसव एक हो, यानी कि दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मौसव एक हो, उसी को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनका मौसव एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो आप समझ गए कि जिसका मौसव एक आएगा उसी को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या।
और यहाँ पे लिखेंगे जैसे, हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे 7.9, ये जो है ये एक अभाज्य संख्या है। अब हम आगे बात करने वाले हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या लिखे? जुड़वा, यानी कि दो वो होना चाहिए, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब जो लिखे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में हम समझेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे। कह रहा है यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर दो हो उसे हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो इसमें हम लिखेंगे अभाज्य अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर दो हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप इसका युग्म देखना चाहेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल, तो वो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लिख सकते हैं 3.5, और इसका अंतर जैसे 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और एक और 11.13 लिए, जैसे 13 में से 11 घटाए 2 ETC। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।